किया गया था कोविड 19 का स्पेशल केस है 3/1A और उसके अंदर मुझे अरेस्ट किया गया था और आज मेरी जामीन है। जामीन करके मैं भी जाता हूँ। क्या मसला ऐसा है कि मैं थोड़ा सा तफसील में बता देता हूँ आप लोगों को कि आज से 3-4 रोज़ पहले की बात है, हमारे जो अच्छे दोस्त हैं एडवोकेट चौधरी साहब, उनकी जो वालदा हैं उनकी वालदा के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उनकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनकी वालदा का डायबिटीज़ जो है वो 548 था, सैचुरेशन लेवल 60% पर था, उनका क्रिएटिन लेवल जो है किडनी का वो 2.26 था, बहुत ज़्यादा था, और उनको थोड़ा सा उनका ओ2 लेवल भी कम था, ऑक्सीजन लेवल भी कम था, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा ICU की ज़रूरत पड़ रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि राजू भाई अगर कल से कर में हो सके तो मुझे एक ICU बेड की ज़रूरत है, मुझे करवा दीजिए। और ठीक है, उन्होंने 10:14 पर मुझे 10:13 पर मुझे उन्होंने कॉल किया। कॉल करने का 10:14 से लेकर के 10:38 तक के मैं आफरीन मैडम को कॉल करता रहा, जो कलचकर हॉस्पिटल की CEO, उनका पूरा नाम है आफरीन सौदागर। आफरीन सौदागर मैडम को जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने मेरा कॉल आया नहीं, तकरीबन 25-26 मैंने उन्हें कॉल किए, फेसबुक कॉल किया, व्हाट्सअप कॉल किया और वीडियो कॉल किए मैंने, मगर कोई भी कॉल उनके उठे नहीं। उसके बाद में मैंने कपिल चौधरी साहब की वालदा के लिए मैंने उनसे कहा कि भाई फ़ोन तो नहीं उठा रही, आप कहीं और इंतजाम करने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है, हम लोग नियॉन में लेके जाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, नियॉन में मैं डॉक्टर मिनी शिंदे साहब को फ़ोन कर देता हूँ, इंशाल्लाह आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। जी, ये बात करके मैंने अपना फ़ोन रख दिया कपिल चौधरी साहब। 11:25 पर ऑफिस मैडम का फ़ोन मुझे आया। मैडम ने मुझे फ़ोन पर कहा कि राजू भाई आपने मुझे इतने सारे कॉल क्यों किए, क्या माजरा है? तो मैंने कहा कि मैडम एक पेशेंट थे जो बहुत ज़्यादा सीरियस थे, जिसकी वजह से मैंने आपको कॉल करने के बाद में मैंने हमारे वहाँ आपके जो मेडिकल डॉक्टर हैं डॉक्टर खालिद अंसारी, मैंने उनसे बात की। तो डॉक्टर खालिद अंसारी मुझे 3 नंबर और दिए, आसिफ मोमिन का, डॉक्टर जावेद का और डॉक्टर इमरान का। बोले इनसे कोशिश करो, अगर हो सका तो ये लोग करवा देंगे। उन्होंने तीनों ने भी कहा नहीं बेड खाली नहीं है, आपको ऑफिस सौदागर मैडम से ही बात करनी पड़ेगी। अच्छा। तो अब मैंने कहा कि मैडम मैंने आपको बहुत ट्राई किया पर आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो उन्होंने कहा नहीं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। तो मैंने कहा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपकी जो है वो 9:30 खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर आप थे, आपके साथ में जितने नवाज साहब थे, शहीन खान साहब थे और जफर नुमानी साहब थे, बहुत सारे लोग थे। मुझे मालूम पड़ा कहीं से कि 9:30 प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और मैंने आपको पहला कॉल 10:14 पर किया। तो बोले नहीं मेरे पास और भी बहुत सारे काम रहते हैं, ये सिर्फ आपका फ़ोन उठाना मेरा काम नहीं है। मैंने बिल्कुल मैडम आपका काम मेरे से मेरा फ़ोन उठाना नहीं है, मगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है एज एन CEO ऑफ एन हॉस्पिटल, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पेशेंट की देखरेख करना है, हॉस्पिटल की देखरेख करना है, हॉस्पिटल की तकलीफों को दूर करना है, जिसके लिए आपको रखा गया हॉस्पिटल में, सारे ट्रस्टियों ने आपको इसलिए रखा है क्योंकि हॉस्पिटल की दुश्वारियों को और हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए आपको ये काम करना चाहिए। तो बोले मुझे मत सिखाइए आप, मुझे मालूम है क्या करना चाहिए। नहीं मैडम मैं सिखा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मुमरा शहर के अंदर, क्योंकि मैं भी मेरी भी जो घर की नगर सेविका वो भी राष्ट्रवादी को बिलोंग करती हैं और जितेंद्र रावत साहब के और राष्ट्रवादी के अपोजिशन के भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको और आपके हॉस्पिटल के लोगों को तकलीफ दे सकते हैं। तो आप है ना नॉन पॉलिटिकल होकर के काम कीजिए, किसी का पॉलिटिकल पॉकेट होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप पॉलिटिकली कोई काम मत कीजिए, आप अच्छा काम कर रही हैं। मैंने यही कहा मैडम को कि मैडम आप है ना अपना जो काम है जिसके लिए आपको अपॉइंट किया गया अध्यक्षों की तरफ से, आपका काम उस काम को करना है, ना कि पॉलिटिकल गलियारों में घूमना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं ठीक है मैं देखती हूँ, मैं तो काम कर ही रही हूँ आप लोगों का और आपका हमेशा मैं फ़ोन तो उठाती हूँ। बोला हाँ मैडम आप मेरा हमेशा फ़ोन उठाती हैं, कभी एक आध बार मिस हो जाता है पर अक्सर मेरा फ़ोन उठाती हैं, और आप अपना काम कीजिए और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, मगर आप पॉलिटिकल थोड़ा सा अपने आप को न्यूट्रल रख करके पॉलिटिकल बैलेंस रख करके काम कीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल क्या होता है कि पॉलिटिकल बहुत सारे लोगों के अंदर आपस में तनातनी होती है, कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिटिकली आपको कहीं मतलब तकलीफ हो जाए करके। और इसके अलावा मैंने कोई उनको ना धमकी दी है ना कोई बात की है, और इसके ऊपर उन्होंने जाकर के मेरे खिलाफ पहले NC दर्ज की, NC दर्ज करने के बाद में 2 घंटे के बाद में वापस आकर के उन्होंने FIR दर्ज की। मैं एकदम अल्लाह को हाजिर नाजिर रख करके कह रहा हूँ आपको कि मैं कभी भी किसी भी औरत के साथ में बहुत धर्मी से बात करता हूँ, और औरतों से क्या, मेरी तो आप तहजीब के बारे में जानती होंगे कि अक्सर मैं जब भी जिन लोगों से बात करता हूँ कि आज मुझे 25-30 साल कॉलेज के अंदर हो चुके हैं और 25 साल से हमारा जो घराना है वो यहाँ पर काबिज है, सत्ता में है, तो हमने हमारी ज़िंदगी में कभी किसी भी शख्स, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, हमने किसी से कभी बदतमीजी से बात नहीं की। ये हमारी तहजीब जो हमारे वालिदों ने हमें सिखाया,
पहली बात तो ये है कि मैं हमारे शमीम खान साहब की बातों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और मैं एक बात समझता हूँ कि उनकी बातों को वैसे भी उम्र में कोई नहीं ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने एक ऐलान किया था कि टोरंट अगर यहाँ पर आए तो मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा, मगर टोरंट आ चुकी है। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी से दुश्मनी नहीं निकालता हूँ, मैं किसी से कोई बात नहीं करता हूँ, किसी तरीके से बात करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं हर एक इंसान की इज्जत करता हूँ। और रही बात एनसीपी की, तो मैं किसी भी एनसीपी का पोस्ट होल्डर नहीं हूँ। मैं एनसीपी में कोई पोस्ट के ऊपर नहीं हूँ, ना मैंने किसी कभी एनसीपी ज्वाइन की है। मैं आज भी कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्राइमरी मेंबर हूँ, और मैंने आज तक कभी जिंदगी में मैंने कभी भी एनसीपी का प्राइमरी मेंबरशिप का किसी तरीके का फॉर्म नहीं भरा है, ना कभी पार्टी के अंदर मैं शामिल हुआ हूँ। आप से भी नहीं हूँ, देखो मैं जितेन नवाड़ साहब को बहुत जमाने से जानता हूँ। जब 1991 में पहली मर्तबा जब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे थाना के, मैं तब से मेरा उनके साथ में रास्ता कायम है। ठीक है, कुछ लोग उनको मिसगाइड कर रहे होंगे, मगर मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छे इंसान हैं और वो किसी की बातों में नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ जज्बात में उन्होंने कुछ गलत कर भी दिया होगा, तो मैं उसके लिए कोई खौफजदा नहीं हूँ और मैं उनसे नाराज़ भी नहीं हूँ। बहुत बड़े इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, उमरा के लिए बहुत वो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो करते रहना चाहिए। जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी वो मुझे आवाज़ दे, इंशाल्लाह लब्बैक करके मैं उनके साथ में खड़े रहकर काम करूँगा। मैं पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे सामने सुभाष भोईर साहब ने इलेक्शन लड़ा, हमारे सामने यासीन सुरमे साहब ने इलेक्शन लड़ा, हमारे सामने रऊफ लाला साहब ने इलेक्शन लड़ा, हमारे सामने यूसुफ राणा साहब ने इलेक्शन लड़ा, सिद्दीक अंसारी ने इलेक्शन लड़ा, ऐसे कई लोगों ने हमारे सामने इलेक्शन लड़े, मगर इलेक्शन खत्म होने के बाद में मैंने कभी भी उनके साथ में पॉलिटिकल अपोनेंट वाला काम नहीं किया। मेरे वालिद साहब ने एक बात कही थी मुझे, वो मुझे आज भी याद है, कि मेरे वालिद साहब कहते थे तुम्हें कामयाब बनना है कि तो दुश्मनों को दोस्त बनाना सीखो, और मैं उसी मिसाल के ऊपर हमेशा कायम रहकर काम करता हूँ कि अपने दुश्मनों को दोस्त बनाने की कोशिश करता हूँ, उनके दिलों को जीतने की कोशिश करता हूँ। और आज 25 साल से रशीद कमर में मैंने लोगों के दिलों को जीतने का ही काम किया है, जिसका प्यार यहाँ पर जो उमड़ रहा है उसको आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। और मैं ये समझता हूँ कि उतने लाख पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी होता है। और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर एक आयत से बताया है, वो तो जिल्लो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, तो इज्जत और जिल्लो हूँ तो अल्लाह ताला मेरा साथ है। मुमरा पुलिस की मुस्तैदी के बारे में आप क्या कहें? नहीं, अब मुमरा पुलिस स्टेशन ने बहुत अच्छा काम किया था मेरे खिलाफ, उन्होंने सिर्फ एक एनसी ली थी उनके फ़ोन के जो वारदात उन्होंने बताई थी जिसके ऊपर, मगर बाद में उनका ऐसा कहना है पुलिस के लोगों का, मुमरा पुलिस स्टेशन के लोगों का, इन्हें हमें ऊपर से बहुत प्रेशर था जिसकी वजह से हमें एनसी को एफआईआर में बदलना पड़ा। मैं उनसे इसके लिए कोई नाराज़ी मुझे नहीं है, क्योंकि वो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे वेरी मच।